लोकसभा चुनाव के बीच बौखलाए प्रकाश राज, पीएम मोदी का प्रकाश राज ने उड़ाया मजाक, मोदी का अपमान देश की जनता से नहीं हुआ बर्दाश्त, प्रकाश राज की उधेड़ दी बखिया। बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाने वाले प्रकाश राज बस एक ही मौका ढूंढते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कैसे किया जाए। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ बयान करने की दुकान खोल रखी है। हर दूसरे दिन वो पीएम मोदी पर अपनी भड़ास निकालते ही रहते हैं। देश में फिलहाल लोकसभा चुनाव का माहौल है, 6 चरणों में का मतदान हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा, जिसके बाद 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे और फिर साफ हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार पड़ेगी। चुनाव के बीच प्रकाश राज ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का मजाक उड़ा दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था, पहले जब तक माँ जिंदा थी तो मुझे लगता था कि शायद जैविक रूप से मुझे जन्म दिया गया। माँ के जाने के बाद सारे अनुभव को मैं जोड़कर देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ। आलोचक लेफ्ट लोग तो मेरी धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा जैविक शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर मुझसे कुछ काम लेना है, इसीलिए मुझे विधा भी दी है, सामर्थ्य भी दिया है, नेक दिल भी दी है और प्रेरणा भी दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। और मैं कुछ नहीं हूँ, एक यंत्र हूँ जो ईश्वर मेरे रूप में मुझसे लेना तय करता है। और इसीलिए मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मानता हूँ शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है। अब पीएम मोदी के इसी बयान की एक क्लिप को प्रकाश राज ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए लिखा, भगवान जरूर पागल होंगे, भारत का परीक्षण कर रहे हैं अपने हैशटैग टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ, आप क्या सोचते हैं, जस्ट आस्किंग। अब जिस तरह से प्रकाश राज ने मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश की वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रकाश राज की क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा, आपके दूसरे बेटे का जन्म कैसे हुआ मिस्टर प्रकाश राज, क्या आप बच्चे के लिए याचना करने के लिए मंदिरों में नहीं गए, आज आप उसी भगवान का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप कितना नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भारत की जनता ने आपको आपकी जगह दिखा दी, फिर भी आप भौंक रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपके बयान के बारे में क्या कहना है, बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, इसे लिख लें। वहीं एक और यूजर ने लिखा, प्रकाश तीसरे क्लास अभिनेता, कोई भी आपको गंभीरता से नहीं लेता, 2024 मोदी जी पीएम अगेन। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, डोंट आस्क अंकल, 4 धाम यात्रा पर जाओ, दिमाग ठीक होगा, शायद वांटेड के बाद से ठीक नहीं हुआ। वहीं एक और यूजर ने लिखा, अच्छे से सुनो क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता पढ़े होते तो पता चलता, और वैसे वह या नहीं कह रहे हैं कि वह अवतारी भगवान है, कब हिंदू धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। इतना ही नहीं, एक और यूजर लिखते हैं, शर्म करो अन्ना, अपनी इज्जत पे कुल्हाड़ी मत मारो। तो देखा आपने, पीएम मोदी का मजाक उड़ाना और भगवान का अपमान करना प्रकाश राज को किस तरीके से महंगा पड़ा। वैसे प्रकाश राज से उम्मीद भी क्या की जा सकती है जो सनातन धर्म की तुलना डेंगू और बुखार से कर दे, ऐसे शख्स की भगवान को लेकर क्या ही मानसिकता होगी। प्रकाश राज ने पोस्ट के जरिए जिस तरह से ये भड़ास निकाली वो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार इस तरीके की हरकतें करके अपनी फजीहत करवाते रहे हैं। बता दें कि प्रकाश राज कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं, वो खुद कर्नाटक से आते हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में एक्टर की विचारधारा का साफ पता चलता है। चुनाव के बीच वो कई बार पीएम मोदी पर तंज कस चुके हैं और अब एक बार फिर से अपनी भड़ास निकाल कर वो बुरे फंसे हैं। वैसे जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग प्रकाश राज की क्लास लगा रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।